हेलो बच्चों, तो यार कैसे हो सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड जो है एडमिशन सीरीज चल रही है, हालांकि अगर अपन बात करें सीयूईटी का रिजल्ट की, तो जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कंटेंट नहीं दिख रहा होगा कि सीयूईटी का रिजल्ट कब रिलीज हो रहा है। एंड जो है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, सीयूईटी के अंदर इश्यू आया था, जो सेकेंड फेज का जो एग्जाम था उसको जो है जस्ट लाइक बहुत सारी जगह तो कंडक्ट हुआ था, बहुत सारी जगह कंडक्ट नहीं हुआ, उसको जो है फिर से रीशेड्यूल किया गया। एंड काफ़ी सारे ऐसे बच्चों की क्वारी जा रही कि भैया हमारा जो एडमिट कार्ड है उसमें इश्यू आ रहा है, उसमें जो पहले वाली ही दिखा रहा है। एंड इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपके फिर से अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं सीयूईटी यूजी के। और आई थिंक जो है आपका रिजल्ट की अगर अपन बात करें तो यार सीयूईटी यूजी का जो रिजल्ट है वो जो है सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के अंदर जो है आपका रिलीज कर दिया जाएगा। एंड यार अगर अपन बात करें इसके प्रोसेस की, टिल जो है काउंसलिंग प्रोसेस का क्या सारा सीन रहने वाला है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज है जिनके अंदर जो बेसिक कोर्सेज होते हैं, जैसे BBA हो गया, BEd हो गया, राइट, एंड मैनी मैनी लॉट ऑफ कोर्सेज है जो कि सीयूईटी के द्वारा मिलते हैं। उनकी जो है वेबसाइट पे आप जाके जो है अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर एडमिट कार्ड वगैरह फॉर्म भर सकते हो, बिकॉज उनका पास जो है जो भी आपका स्मार्ट पोर्टल है उनकी डिटेल उनके पास रहती है। तो आपने अपने फॉर्म के अंदर जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट किए हैं, तो जस्ट आप जो है जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो कि भैया मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना, आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके जो उनको डिटेल दे सकते हैं। आपने जो भी कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं अपनी चॉइस के हिसाब से उसके अंदर प्रेफरेंस भरेंगे कि मेरे को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये चाहिए, सेकंड पे ये चाहिए, थर्ड पे ये चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि हाउ टू फिल द चॉइसेस एंड व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, एंड मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ और मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, एंड अगर आप ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं जो आप हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, या फिर मिशन एडमिशन 2000 का जो कॉम्बो प्लान ले सकते हैं जिसके अंदर जो है आपका किसी ना किसी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाता है विद द बेसिस ऑफ द रैंक, कि आपको जो है अगर ये कॉलेज नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरा अदर काउंसलिंग बॉडी होगी, किसमें स्पॉट एडमिशन हो रहा हो, किसमें डायरेक्ट चल रहा हो, किसमें सीट खाली हो, तो यार उस बेसिस पे जो आप हमारी पर्सनलाइज काउंसलिंग ले सकते हैं जिसके अंदर जनरली जो है आपको अच्छी ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है ऑलमोस्ट बच्चों की ये प्रेफरेंस होती है कि हमको CS, IT, AI, ठीक है, डीलिंग एंड मैनी मैनी जो भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, टेक जो कोर्सेज होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो यार इसके लिए जो आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया गया है, हमारा कॉम्बो प्लान मिशन गारंटेड एडमिशन प्लान ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर जस्ट लाइक फोर्सिंग, ठीक है। आई प्रोवाइड यू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इन द यूट्यूब। कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, ओके। अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो यार जो जितने भी जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल एडमिशन का क्या सारा चेंज रहने वाला, जैसे आप जो है CUET का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, NTA के पास आप जाके आ गए, एग्जाम दे के आ गए। अब NTA क्या करेगा, जो भी आपका स्मार्ट पोर्टल है वहाँ पे जो है एक PDF आ जाएगा कि इस बच्चे के इतनी रैंक आई है। आप जैसे ही लॉग इन करते हो वहाँ पे जो है आपको अपने मार्क्स दिखाई दे जाएंगे कि आपको इतनी रैंक मिली है, आपकी कैटेगरी के अंदर ये रैंक है और आपकी जो है ऑल इंडिया रैंक ये है, या फिर जो भी मार्क्स आते हैं ऑलमोस्ट आई थिंक मार्क्स आएंगे कि आपके जो इतने मार्क्स आए हैं, ओके। हो सकता है NTA रैंक भी रिलीज कर दे, ये डिसाइडेड नहीं है कि रैंक होगी कि मार्क्स होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे आपका इंटरेस्ट है कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc करनी है ऑनर्स फिजिक्स से, या फिर कोई अदर कोर्स करना है, मेरे को BBA करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को फलाना ढिकाना वो करना है, मान लो आपको DU में करना है, ठीक है, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मेरे को BBA करना है, ओके, एंड सेकेंड प्रेफरेंस है कि मेरे को BSc करना है, थर्ड प्रेफरेंस है कि मेरे को .xyz कोर्स करना है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपके मार्क्स आए आप DU के पास जाओगे, DU के पास भी स्मार्ट पोर्टल होगा, जैसे आपके पास ये पोर्टल है वहाँ पे जाके जो है आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे तो वहाँ पे जो है लॉगिन हो जाओगे, आपको जो है अपना जो भी सारा का सारा प्रेफरेंस दिखेगा। आपको अगर लगता है आप ईमेल आईडी जो भी मोबाइल नंबर वगैरह चेंज करने का मौका दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होता है, फिर आपको क्या करना है वहाँ पे अपनी जो है डिटेल जाननी है कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, ओके, या फिर आपको वहाँ पे दिख जाएगा। दिस इज बेसिक, देखते हैं क्या सारा सीन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म में भर के दिखा दूंगा जैसे ही आता है। आप जो है अपने मार्क्स वगैरह वहाँ पे डालोगे, फिर क्या होगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है आपको वहाँ पे। चॉइस फिलिंग का क्या मतलब होता है यार, चॉइस फिलिंग में ऐसा होता है जैसे आपने फर्स्ट चॉइस डाली तो आपके मार्क्स के बेसिस पे अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स है या फिर आपके मार्क्स कट ऑफ के आसपास है, देन जो आपको पहली चॉइस मिल जाएगी, ओके।
अब अगर आपने पहली चॉइस ही गलत डाल दी और आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को नीचे वाली चॉइसेस मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और उसके लिए जो है आपको जस्ट लाइक अगले साल तक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग का आप बिल्कुल ध्यान रखें, चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइस फिलिंग में क्या सारा सीन होता है यार, चॉइस फिलिंग के अंदर ये होता है कि आपको जो है पहली चॉइस मिलती है, ठीक है, पहली चॉइस। अगर आप चाहते हो कि आपको दूसरी चॉइस मिले देन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये मार्क्स के बेसिस पे ही पॉसिबल है। आपके मार्क्स के बेसिस पे ये हो सकता है कि मार्क्स अगर आपके अच्छे हैं, ठीक ठाक है, कट ऑफ के आसपास, देन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलती है। देन आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप आपका जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो या फिर आपको लगता है कि पहला जो है मेरा ये मिलना चाहिए, दूसरा ये मिलना चाहिए, तीसरा ये मिलना चाहिए, उसके हिसाब से जो आप अपनी चॉइसेस फिलिंग करें। आप जो ऐसे तुक्के के अंदर कुछ भी ना फिल करें या फिर ABCD के हिसाब से ना फिल करें, आप जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिल करें, ठीक है। जैसे आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि मेरे को BSc फिजिक्स करना है, ठीक है, DU से, और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे BSc फिजिक्स नहीं डाला, आपने जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पे कोई XYZ मैथमेटिक्स हो गया या फिर BBA हो गया अदर डाल दिया, देन जो आपको BSc फिजिक्स नहीं मिल पाएगा, ओके। और जो है आफ्टर द चॉइस ब्लॉकिंग आप उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है इसके लिए इसका जरूर ध्यान रखें कि आप चॉइसेस के अंदर क्या फिल कर रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह सारे के सारे ठीक से फिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे, या फिर आपके जो मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ओके। बिकॉज CUET के अंदर ऑलमोस्ट 100 यूनिवर्सिटी, 100+ कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रही है साल, और आने वाले भविष्य के अंदर पता नहीं कितने कॉलेजेस और जुड़ेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक जस्ट लाइक वन एंट्रेंस वन एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर 100 कॉलेजेस एक साथ एडमिशन ले रही है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या फिर हमारे देश का पायोनियर इंस्टीट्यूट प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी जो रैंकिंग है इंडिया में वो जो है टॉप सेकंड थर्ड फोर्थ पे आता है, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस, खूब पढ़ते रहिए, और भी आपको कोई हेल्प चाहिए कॉल कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द एविएशन एंड एरोस्पेस एंड मेनी लॉट ऑफ दस लाइक स्पेस साइंस एंड अदर, देन यू मस्ट फॉलो इन द एविएशन वाला यूट्यूब चैनल, इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ उसको जरूर फॉलो करना, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है इन द इंजीनियरिंग जस्ट लाइक जोसा है, CSMB है, JEE चंडीगढ़ है, जस्ट लाइक अदर इंजीनियरिंग प्रोसेस हो गया, JEE मेन, JEE एडवांस, नीट एंड अदर, तो जस्ट आप जो है नीट वाला और जो भी है, ठीक है, एविएशन वाला, इनको इंजीनियरिंग वाला को फॉलो कर सकते हो, सबकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।